चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। चौदह दिन में भुगतान होगा, जो ऐप मिले ऐसा नहीं करेंगी, उनका सरकार ऐसा नियम बनाए जाएंगे कि सरकार उनको अधिकृत कर लेगी। आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगी। ये 5 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को राहत देने का कोई कार्य नहीं किया। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, भाइयों का स्नेह, मुझे धरती पर पैर नहीं रखने दिया है। वहां से आता मैं अभिभूत भी हूँ और मुझे पता है कि आप मेरे हो, मैं आपका। मैं तो आपको भी इतना कहना चाहूंगा कि आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया। सीसीए चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ छपरौली विधानसभा के प्रत्याशी, रालोद के प्रत्याशी अजय कुमार जी हैं। अजय जी, सीसीए में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी आपका चुनावी प्रचार कैसा चल रहा है, क्या आपको उम्मीद है इस बार? जो जोश, जो जनून, जो लोकदल के प्रति और जो जनून आप देख रहे हैं, आपने अभी देखा होगा जिस तरीके का है, ये तो अपने आप में बयां कर रहा है कि क्या होने वाला है। अजय जी, इस बार एक बहुत ऐतिहासिक किसान आंदोलन अभी ख़त्म हुआ है, उसका कितना आप असर इस चुनाव में देख रहे हैं? किसानों की बदहाली बड़े लंबे समय से चल रही है। गरीब की, जो युवा की बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की अनगिनत समस्याएं हैं जिनका हल निकाला जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस सरकार में पिछले 7 साल से, खास तौर पे केंद्र और ये 5 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को राहत देने का कोई कार्य नहीं किया। ये जो अभी किसान आंदोलन हुआ है, उसमें जो आप अभी भाषण में भी कह रहे थे कि 700 शहादतें हुई हैं, क्या उसका एक असर आप इस आंदोलन में, इस चुनाव में देखेंगे? क्योंकि पिछली बार जो छपरौली जो सेफ सीट मानी जाती है रालोद के लिए, उसमें भी मार्जिन जीतने का काफ़ी कम रहा पिछली बार। देखिए, किसान आंदोलन अपनी जगह है, राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो दूसरी तरह है, उसका अलग मतलब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो असंतोष होता है, जब आम जन में असंतोष है, युवाओं में असंतोष है, किसानों में असंतोष है, मजदूरों में असंतोष है, तो वो नो डाउट वो वोट में तब्दील होता ही है। जब पिछली बार जब योगी जी की सरकार बनी थी, जब भाजपा की सरकार बनी थी, तो एक वायदा किया था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करेंगे, वो तो हुआ नहीं। आपकी सरकार अगर बने तो आप लोग क्या अपनी तरफ से इंश्योर करने के लिए कि 14 दिन या समयबद्ध तरीके से पेमेंट हो जाए? नहीं, हम 14 दिन में भुगतान की बात कर रहे हैं। 14 दिन में भुगतान होगा, जो ऐप मिले ऐसा नहीं करेंगी, उनका सरकार ऐसा नियम बनाए जाएंगे कि सरकार उनको अधिकृत कर लेगी, तो राष्ट्रीयकरण उसका कर लेगी। हाँ, राष्ट्रीयकरण उसका हो जाएगा। हाँ, ये बड़ा कदम है, क्योंकि एक तरफ जहाँ सब कुछ हम देख रहे हैं, जो राष्ट्रीय संपत्तियाँ हैं उसका निजीकरण हो रहा है, लेकिन आप उसका क्या विपरीत, कितना संभव हो पाएगा? लेकिन संभव क्यों नहीं होगा, जब ये होता है नीयत से, नीति, हमारी नीति और नीयत साफ है तो हम इसे करके दिखाएंगे। इतनी बढ़िया आबादी को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र है, ये आजीविका का मुख्य स्रोत ये है, सारी अर्थव्यवस्था इसी पे, गन्ने पर आधारित है, तो हम इन गन्ना किसानों को ऐसे कैसे छोड़ें? और लंबे समय से हम भुगत रहे हैं इस चीज़ को, इस समस्या को। पिछली बार ये देखा गया था कि जो यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल के जो उम्मीदवार जीत कर गए थे सिंगर जी, वो भाजपा में चले गए। ये कहीं ना कहीं एक दिल में एक डर बैठा हुआ है यहाँ के लोगों को कि भाई हमारे जीते हुए प्रत्याशी उधर ना चले जाएं। ऐसा कुछ नहीं, ये चले गए या अपवाद हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर नहीं हमारे मन में। ये उनको
उनकी नालायकी को जग जाहिर करने के लिए ये ऐसी बात कह देते हैं। ये ऐसा कोई डर नहीं, डर नहीं है, कोई डर नहीं। आने वाले, अभी आपने कहा यहाँ पर कि घोषणा भी हुई है पेंशन स्कीम, जब हमने देखा है न्यू पेंशन स्कीम के तहत बहुत दिक्कत हो रही है बुज़ुर्गों को, उसी के साथ साथ यहाँ पर 3 साल के लिए सारे श्रम कानून जो हैं वो बंद कर दिए सरकार ने कोरोना के बाद। और एक्चुअली आपने जी बात करी कि नरेगा में आप जो वेतन है वो बढ़ाएंगे, इसके बारे में क्या श्रम किसानों के लिए तो बात करी लेकिन मजदूरों के लिए क्या इस तरह की नीतियाँ आपकी सरकार ला रही है? वही है, एक तो जो रोज़गार के 40 दिन एवरेज जो रोज़गार मिलता है उसे बढ़ा के हम 110 दिन करेंगे, ये प्रयास होगा उसको बढ़ाया जाए। और दूसरा उनका जो दैनिक वेतन है उसमें वृद्धि का प्रस्ताव है, उसको हम संकल्पित हैं कि उसको ऐसा करेंगे। एक बार 320 रुपये जयंत जी ने ये भी एक बार बोला था एक भाषण में कि जो नरेगा है उसको वो खेत मजदूर जो होता है उससे भी नरेगा को जोड़ेंगे। हाँ। क्या आप ऐसा प्रयास अभी भी रहेगा? हाँ, ये प्रयास जारी रहेगा, ये प्रयास। सीसीए में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोग भी हमारे दर्शक भी जुड़े रहें सीसीए के साथ, यूपी की चुनावी खबरें आप तक आती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जीतने के बाद सबसे पहले अनशन ही आऊंगा।